नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने गुजरात जा रही एक कार से कई करोड़ रुपए बरामद किए हैं। जिले के बीछीवाड़ा थाना पुलिस ने 22 मई को नेशनल हाईवे सड़क मार्ग 8 पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,05,00,000 रुपए कैश जब्त किया है। हवाला की काली कमाई के साथ दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि ये करोड़ों रुपए दिल्ली से गुजरात ले जाए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि ये हवाला का रुपया है। वहीं डीएसपी मनोज सवारिया ने बताया कि फिलहाल पैसे जब्त कर लिए गए हैं और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये हवाला से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है। हालांकि पुलिस अभी मौके पर कार्रवाई में लगी हुई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है। आपको बता दें, थाने में इतने नोट गिनने के लिए मशीनें नहीं थी, इसलिए मशीन भी बैंकों से मंगवानी पड़ी। नोट गिनने में भी सुबह से शाम हो गई। आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि जिस कार नंबर DL8CA X3573 से ये पैसा जब्त किया गया, उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बता दें, बीछीवाड़ा थाना गुजरात के हिम्मत नगर बॉर्डर सड़क पर है। नेशनल हाईवे सड़क मार्ग यहीं से गुजरता है। हमेशा यहां पर तस्करी और दो नंबरी कालाबाजारी के माल यहीं से निकलते हैं और बीछीवाड़ा थाना पुलिस कार्रवाई को अंजाम देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।